31 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। नीट वापस से हो। फटे चौक पे हम मौजूद हैं और नीट परीक्षा में धांधली को लेकर के जो यहाँ पे जो आईसा के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये पटेल चौक गेट नंबर 2 है और किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस और बीएसएफ के जवान है वो सीआईएसएफ के जवान है वो यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मेट्रो स्टेशन वो गेट को बंद कर दिया गया है और लगातार दिल्ली पुलिस है इस प्रदर्शन को किसी भी तरह खत्म किया जाए उसको कोशिश कर रही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस यहाँ पे हाई हाई के नारे लगा रहे हैं। आप तस्वीर में दे सकते हैं कि मतभेद भी हो रहा है यहाँ पे दिल्ली पुलिस और इन स्टूडेंट्स के बीच में। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आइए इधर आइए, कुछ लोगों से कोशिश करने की बात करने की कोशिश करेंगे। आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए, जिम्मेदार जो शिक्षा मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दे क्योंकि उनके ही नेतृत्व में जब वो शिक्षा मंत्री रहे हैं 33 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उस पे वो अपनी जवाबदेही मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा होना चाहिए क्योंकि हम इस धांधली पूर्वक किए गए एग्जाम को नहीं मानते, छात्र उसको नहीं मानते और हम उसके खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि एनटीए बर्खास्त हो, एनटीए के ऐसी दोहरी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। इन्होंने क्या किया है, रिसर्च के लिए भी एनटीए के मास्क को ही ले रहे हैं जो पहले पीएचडी का एंट्री से अलग होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग कराती थी, स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है, उनको स्वतंत्रता वापस दी जाए और एनटीए को बर्खास्त की जाए। प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया है और क्या कहते हैं जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ और नेट का पेपर रद्द हुआ और बाकी पेपर भी रद्द हुआ, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि जो हमारा सीयूटी का एग्जाम है वो भी सही तरीके से हो रहा है। जो हमने पहले पेपर दिया था उसमें पहले ये पता चला कि हमारे सेंटर चेंज कर दिए गए हैं, दूसरी बजे हम सेंटर पे पहुंचे तो हमें ये पता चला कि हमारे पेपर कैंसिल हो गए और 30 तारीख को रिजल्ट आना, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम किस तरीके से भरोसा करें कि एनटीए हमारे साथ भी जो हम आगे पढ़ाई करने वाले उसके लिए हमारे लिए सही है? तो हम चाहते हैं कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे और कोर्ट की निगरानी। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने आपने रोकने की कोशिश की, पुलिस को हम देख रहे हैं देश भर में इस तरह से छात्रों के साथ मारपीट, छात्रों के साथ बर्बरता आज पुलिस कर रही। हम लोग इस मांग के साथ यहाँ पर आए कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। देश 10 दिन के अंदर 40 लाख छात्रों का भविष्य को सवालिया निशान बनाने वाली ये सरकार तुरंत अपनी जिम्मेदारी ले और इस एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त करे और एनटीए को रद्द करे। इस मांग के साथ हम आए और देख रहे हैं पुलिस किस तरह से वर्दी पहन के गुंडाई कर रही है, किस तरीके से पुलिस छात्रों को पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। हम क्या कह रहे थे, हमने जिनको चुनकर भेजा है संसद में हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे कहेंगे वहां पर सवाल उठाइए, मगर हम देख रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। संसद मार्ग पर लाठी चल रही है, संसद के अंदर माइक बंद कर दिया जा रहा है, ये पूरा रवैया एकदम गैर कानूनी और एकदम तानाशाही रवैया सरकार ने ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हाथों में जो तख्तियां पकड़े हैं जिसमें लिखा है पेपर लीक कराने वाले गिरोह का शरण देना बंद करो, साथ साथ 10,000 स्टूडेंट सुसाइड इन 2023 अलोन स्क्रैप एनटीए, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हमारी मांग बहुत सिंपल है कि एनटीए को रद्द किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हम आपको कहते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, रीनीट वापस से हो और ये जितने सालों भर का जो पेपर लीक एग्जाम में जो स्कैन करा जा रहा है एनटीए के द्वारा ये प्राइवेट एजेंसी को हटाया जाए क्योंकि इनसे एक काम नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान को शर्मिंदगी से आप दे देना चाहिए अपना इस्तीफा, बहुत क्लियर है। संसद भवन तो लगातार जो ये छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और हाथ में तख्ते पकड़े हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और दिल्ली पुलिस है वो लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही है और ये छात्र है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो छात्र है उनको यहाँ से डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और ये जो अपनी मांग कर रहे हैं, साथ साथ जो छात्र हैं वो दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी कर रही है, साथ साथ तस्वीरों में देखेंगे मतभेद की जो स्थिति यहाँ पे छात्रों के बीच और दिल्ली पुलिस के बीच में बनी हुई थी, अब ऐसे में आगे जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। जैसा ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम आरोपी हैं, हम लोग अपराधी हैं, जबकि हम लोगों का अपना अधिकार है, हम लोग मेहनत करके पास करके अपना मतलब एग्जाम पास करते हैं और हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें पेपर लीक और उसकी धांधलियों के बारे में आप लोग सुन ही नहीं रहे होंगे कि किस तरह से मतलब हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब से एनटीए बनी है तब से लेकर अब तक सिर्फ धांधलियां हो रही है पेपर में, इस साल 2 एग्जाम्स में धांधलियां हुई नीट और यूजीसी। हम लोग बस ये चाहते हैं
की पारदर्शिता हो, एनटीए को रद्द किया जाए, क्योंकि हर बार हम लोग ये चाहते हैं कि एनटीए रद्द हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और एनटीए का रद्द होना इसलिए जरूरी क्योंकि जब से स्थापित हुआ है 2017-18 से लेकर तब से धांधलियां और बढ़ी है, इसीलिए। तो ये वो जो छात्र हैं, इनका कहना है कि ये जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, अभी फिलहाल इनको डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनका कहना है कि जब तक इस तरह से ये प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरा नहीं किया जाता, एनडीए को रद्द कर दिया जाए, और जो शिक्षा मंत्री है उनको भी बर्खास्त की यहाँ पे मांगे की जा रही है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।